अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर फ़ोर देख रहे हैं चैप्टर नंबर फोर है एवरेजिस के बारे में इससे पहले हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करी और फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम ग्रुप फॉर्म में और अनग्रुप डाटा जो हमारे पास दिया हुआ होता है तो हम उसके अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करते हैं नेक्स्ट हमने देखा मीडियन के बारे में और मीडियन के अंदर भी हमने यही चीज़ें देखी कि अगर हमारे पास ग्रुप डाटा दिया हुआ हो तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है या अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा हो तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है ठीक है तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा किस तरह से हमने उसको लेके चलना है क्या फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं मीन के लिए भी और मीडियन के लिए भी वो सब हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं और आप लोग प्ले में जाके भी उनके लिंक्स देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है मोड सबसे पहले यहाँ पे हम मोड की डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज़ दैट वैल्यू विच रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सेट ऑफ डेटा आपको कोई डेटा गिवन है और उसके अंदर कोई वैल्यू है जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है सबसे ज़्यादा उसकी या फिर फ्रिक्वेंसी उसकी सबसे ज़्यादा ज़्यादा है तो वो चीज़ हमारी मोड कहलाती है ठीक है दो तरह से हमें डेटा गिवन होता है या तो हमारे पास सिंपली नंबर्स दिए होते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है वो चीज़ हमारी मोड कहलाती है या फिर अगर हमारे पास एक डाटा गिवन है जिसके साथ कुछ फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे हाई फ्रिक्वेंसी किस नंबर की है तो जिस नंबर की भी सबसे हाई फ्रिक्वेंसी होगी वो नंबर हमारा मोड कहलाएगा आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोड ऑफ़ अनग्रोप्ड डाटा यानी कि अगर हमारे पास डेटा एक ऐसा दिया गया है जो जो कि अनग्रुप्ड है जिसके कोई इंटरवल्स नहीं हैं कोई बाउंड्रीज नहीं है वहाँ पे हम किस तरीके से मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखेंगे मोड का सिंबल आपके सामने आ रहा है और इसमें मोड जो है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी मोड की वो एक से ज़्यादा तरीके के मोड्स होते हैं यानी कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो एक ही दफ़ा रिपीट हो रही है यानी कि कोई डेटा गिवन है जिसमें कोई एक नंबर है जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है वो चीज़ हमारा यूनी मॉडल है और अगर कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर कोई दो नंबर्स हैं जो कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं वो चीज़ हमारी बाय मॉडल कहलाती है और हम ये भी कह सकते हैं कि मोर देन वन मोड इज़ कॉल्ड मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक से ज़्यादा मोड किसी भी डाटा के अंदर गिवन होंगे तो वो हमारी मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी ओके okay, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर फोर पॉइंट थर्टी लिया है फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा मोड मालूम करना है हमें ये डेटा गिवन है थ्री फाइव टू फाइव टू जीरो फाइव टेन ट्वेल्व ये हमें दिए हुए हैं तमाम वैल्यूज़ ठीक है फर्स्ट वी अरेंज द डाटा सबसे पहले हमने इसको डाटा को अरेंज कर लेना है और सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो जीरो है जीरो फिर टू है उससे बड़ा फिर थ्री है फिर तीन दफ़ा फाइव आ रहा है तो हमने लिख लिया फिर टेन है और फिर लास्ट में ट्वेल्व है ये हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को अरेंज करके लिख लिया अब इसके अंदर सिंपली आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है जीरो टू थ्री ये तीनों वैल्यूज़ एक एक दफा आ रही हैं इस डाटा के अंदर जबकि जो वैल्यू ऑफ फाइव है ये थ्री टाइम्स रिपीट हो रही है फिर टेन और ट्वेल्व भी एक एक दफा आ रही है सिंस फाइव इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देर फॉर मोड इज इक्वल्स टू फाइव इसके बाद मैंने यहां पे लिया है एक्सरसाइज नंबर 4.31 को फाइंड द मोड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स डी पार्ट लिया है इसका और इसमें कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं जिसका हमने मोड फाइंड आउट करना है और नंबर है वन जीरो टू वन जीरो सेवन हंड्रेड पे वन ओ नाइन सेवन एटी एट वन ओ थ्री और लास्ट में नाइन्टी फोर सेम वही काम करेंगे जो हमने अभी पीछे किया सवाल किया में हाँ के अंदर फर्स्ट वी अरेंज द डाटा असेंडिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पे डेटा अरेंज करके लिख लिया है सबसे छोटा नंबर इस हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन थी इसमें सेवेंटी सेवन था फिर उससे बड़ा एटी एट नाइन्टी फोर हंड्रेड वन ओ टू वन ओ थ्री वन ओ सेवन और वन ओ नाइन ठीक है ये मैंने अरेंज करके लिख लिया अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है 77 एक ही दफ़ा आ रही है 88 भी एक ही दफ़ा आ रही है 94 भी 100 फिर वन जीरो टू वन जीरो ये तमाम तरफ वैल्यूज एक एक बार ही आ रही हैं यानी कि इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि रिपीटेड वैल्यू हो ठीक है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस ईच वैल्यू इज रिपीटिंग द सेम नंबर ऑफ टाइम्स देअ हम कहते हैं कि ये हमारा सवाल के अंदर कोई मोड शामिल नहीं है यानी कि हम इसको नो मोड कह सकते हैं ठीक है तो यहाँ आपने समझा कि किस तरीके से हम जब रिपीटेड वैल्यू होती है तो वो चीज़ हमारी मोड होती है लेकिन अगर किसी डाटा के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो सिंपली हम इसको कहेंगे कि इस डेटा के अंदर कोई भी मोड मौजूद नहीं है ओके इसके बाद फिर एक और सवाल यहाँ पे लिया गया है 4.32 पॉइंट थर्टी टू पाइन द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एक सीरीज दी गई है जिसके अंदर आपने मोड फाइंड आउट करना है और 4.32 का मैंने सेकेंड पार्ट लिया है 20, 25, 15, 10, 10, 30, 35, 20, 40 और 50 ये हमें दिए हुए थे नंबर्स सेम वही काम किया फर्स्ट वी अरेंज द डाटा हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाटा को अरेंज कर लिया सबसे छोटी वैल्यू देखी इसमें टेन थी कार दफ़ा टेन आ रहा था फिर फिफ्टीन था फिर ट्वेंटी था फिर कार दफ़ा ट्वेंटी आ रहा था फिर ट्वेंटी फाइव थी उससे बड़ी वैल्यू फिर थर्टी थी उससे बड़ी वैल्यू थर्टी फाइव फोटी और फिर लास्ट में हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो थी फिफ्टी ये मैंने अरेंज करके देख लिया अब इस डेटा के अंदर देखिए कि टेन जो है वो टू टाइम्स आ रहा है ठीक है फिफ्टीन एक ही दफ़ा आ रहा है ट्वेंटी फिर दो टाइम्स आ रहा है ट्वेंटी फाइव है थर्टी है थर्टी फाइव फोर्टी फिफ्टी ये वो नंबर्स हैं जो कि एक एक दफ़ा ही आ रहे हैं ये रिपीट नहीं हो रहे लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि टेन भी टू टाइम्स आ रहा है और ट्वेंटी भी टू टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंस टेन एंड ट्वेंटी आर द मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज देर फोर देर आर टू मोड्स दैट इज टैन एंड ट्वेंटी ठीक है तो ये हमारे यहाँ पे दो मोड्स आ गए अब जब कभी भी कोई भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिले जहाँ पे दो मोड्स आ रहे हैं तो वहाँ पे आपने सिंपली कह देना है कि ये हमारा बाय मॉडल का केस है यानी कि यहाँ पे दो मोड्स शामिल है ठीक है इसको मल्टी मॉडल भी कह सकते हैं और बाय मॉडल भी कह सकते हैं तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने समझा कि किस तरीके से मोड्स को फाइंड आउट करते हैं और मोड होते क्या हैं बेसिकली और जब हमारे पास कोई अनग्रुप डेटा गिवन होता है तो हम वहाँ पे मोड कैसे मालूम कर सकते हैं और उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आया होगा और इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम या इस ई एड्रेस पर भी अपने तमाम सवाल पूछ सकते हैं और ये वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अल्लाह